तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो ये है कि मोबाइल फ़ोन की जो वॉलपेपर है वो भी कैनवा को यूज़ करते हुए कैसे तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज इसमें हम कोई टेम्पलेट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। ब्लैंक पेज मैंने लिया हुआ है मोबाइल फ़ोन की वॉलपेपर के लिए। जितना साइज़ रिक्वायर होता है वो साइज़ जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर न्यू डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। तो बिना देर के चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमें मोबाइल फ़ोन की वॉलपेपर या कोई भी डिज़ाइन वगैरह हो तैयार करना हो तो उसके लिए जो है हमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होता है। तो कैनवा में आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि जो है मैं कलर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ। ये कलर मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया है। आप इनमें जो है कलर को ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। तो इनमें जो मैं कलर रखने जा रहा हूँ वो है ग्रेडियंट वाला। तो इसमें मैं जो ग्रेडियंट कलर मैंने है सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप एडिशन ऑफ एलिमेंट की बारी आती है, तो उसके लिए हमें जो ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक कर दिया है मैंने। इसके बाद जो है एडिशन ऑफ एलिमेंट वाला जो ऑप्शन है मेरे पास, मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। तो एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और एलिमेंट मैं कौन सा ऐड करना चाह रहा हूँ मैं सर्च बार में जाता हूँ, और सर्च बार में जाके मैं सर्च करता हूँ HEART हार्ट। तो हार्ट के रिलेटेड जितना भी शेप्स या डिज़ाइंस या ग्राफिक्स वगैरह होंगे वो हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं। मैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, डिफरेंट हार्ट्स वगैरह जो हैं हमारे पास आ चुके हैं। आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा है जो यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। तो ये देखें दोस्तों, इनमें से जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ये वाला है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है। और इसके बाद जो है इसका जो है साइज़ वगैरह एडजस्ट करना चाहिए, तो ये साइज़ भी इसका एडजस्ट हो गया है। ये देखें इस तरह से, ये साइज़ जो है इसका मज़ीद इसको थोड़ा सा जो है सेट कर लेते हैं। ये देखें, मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ये इस तरह से सेट हो चुका है हमारे पास। और जो आप डिफरेंट कलर्स वगैरह हैं वो भी इसको जो है दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये हार्ट हमारे पास जो है ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ खूबसूरत व्यू बनाने के लिए। तो वो मैं कौन सा लेता हूँ, तो इनमें से जो है वो मैं, ये मेरे सामने आ रहा है बटरफ्लाई का डिज़ाइन, तो इनमें से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो है मैं इसका साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ, इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप इसको सेट कर दें, और इस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन की जो है वॉलपेपर का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो ये देखें, दो एलिमेंट्स जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आप अगर इसमें जो है टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हों तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है, बल्कि एक मिनट, मैं बैक पर चला जाता हूँ, यहाँ पर फिर क्लिक करता हूँ और एलिमेंट के ऑप्शन में चला जाता हूँ, और यहाँ से कोई एक चीज़ जो है वहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है खूबसूरत सा व्यू है वो बन जाए। तो इनमें से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इनमें से ये जो है ये वाला डिज़ाइन या जो टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ है ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको जो है मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, इसका आप जो है साइज़ वगैरह वो कम कर सकते हैं, और आप इसको जहाँ एडजस्ट करना चाहें तो वह आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो इसको मैं यहीं पर जो है ऐड कर देता हूँ। और इस तरह से हमारे पास जो है इसका मैं कलर देखता हूँ, अगर चेंज हो सकता है तो कलर चेंज हो सकता है। और इसका कलर जो है मैं ये वाला रख देता हूँ, या ये वाला कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कलर यही रख देते हैं।
अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन की वॉलपेपर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।